हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट जंप प्रिपरेशन में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी पीएचडी करना चाहते हैं। दोस्तों, ये पीएचडी एडमिशन के लिए जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे कुल यदि विषय की बात करें तो 37 जो है यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, और कुल सीट की बात करें तो दोस्तों रेगुलर मोड में पीएचडी के लिए जो है 1246 सीट, और पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जो है यहाँ पे 46 मतलब 46 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। दोस्तों, यहाँ पे यदि हम लोग लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 16 अगस्त 2022 जो है इसकी लास्ट डेट है। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं कि अभी रिसेंट में जो है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो है पीएचडी के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन निकाले गए थे। तो दोस्तों, उन वीडियोज़ के वो उनसे रिलेटेड जो है वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उन वीडियोज़ को यदि आप देखना चाहें तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोज़ के लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि ईजिली आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकें। और साथ ही साथ जो है आप चाहें तो हमारे चैनल के मेन पेज से जो है या फिर जो है चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के उन सारे वीडियोज़ को देख सकेंगे। तो दोस्तों, बिना डिले के जो है आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है वैकेंट सीट्स ऑफ पीएचडी एंड ये यहाँ पे जो है एंड पार्ट टाइम पीएचडी सेशन 2021-22 की जो बात की गई है, इसमें जो है हम लोग वैकेंट सीट्स की बात कर लेते हैं और आपके सब्जेक्ट के बारे में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं हैं आपको ये पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी है पीएचडी के लिए या फिर नहीं है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके काम का ये वीडियो है या फिर नहीं है। यदि आपके काम का वीडियो नहीं तो आप चाहें तो वहीं से स्किप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि यदि आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोस्तों उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं काफ़ी, उनको आप चाहें तो देख सकते हैं। उन वीडियोज़ के लिंक भी कोशिश करेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, हम लोग इसको जो है सब्जेक्ट की लिस्ट पहले देख लेते हैं। तो जैसा दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, सीरियल नंबर 1 पे आप देख सकते हो ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत जो है ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी करके दिया है। इसमें रेगुलर पीएचडी सीट्स की बात करें तो 17 है मतलब 17, और पार्ट टाइम पीएचडी सीट्स की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 0 है। दोस्तों, एक और बात आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, कि चूँकि ये काफ़ी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो यदि हर सब्जेक्ट के सीट के बारे में जो है पर्टिकुलर बात करने लेंगे हम लोग तो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो सकता है। तो केवल सब्जेक्ट के नाम हम बता देते हैं, बाकी आप अपने सब्जेक्ट के आगे जो है आप देख लें कि रेगुलर मोड में यहाँ पे पीएचडी में कितनी सीट है या फिर आप पार्ट टाइम यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो वहाँ पे कितनी यहाँ पे जो है कितनी सीट्स है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो 2nd जो है डिफेंस स्टडीज़ है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, उसके बाद इंग्लिश में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है 103 सीट्स जो है रेगुलर मोड में है, और पार्ट टाइम की यदि बात करें तो 7 यहाँ पे है। उसके बाद फ्रेंच है, फिर ज्योग्राफी है, हिंदी है, उसके बाद दोस्तों होम साइंस है, उसके बाद दोस्तों आगे देख सकते हैं यहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, देन उसके बाद लिंग्विस्टिक मीडियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बाद ओरिएंटल संस्कृत, देन पर्सियन फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन उसके बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट है संस्कृत, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में भी दोस्तों यहाँ पे 71 सीट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलर मोड के लिए। फिर उसके बाद जो है उर्दू, वेस्टर्न हिस्ट्री, स्टेटिस्टिक, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी। फिर 27 नंबर पे आप ये देख सकते हो सब्जेक्ट जो है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद कॉमर्स। फिर 30 नंबर पे देख सकते हैं एजुकेशन, और दोस्तों एजुकेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं 158 टोटल जो 158 सीट काफ़ी अच्छी खासी सीट जो है यहाँ पे, और ये रेगुलर पीएचडी के लिए है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद 31 नंबर पे देख सकते हैं लॉ है, 32 दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 33 नंबर पे जो है केमिस्ट्री है, इसमें 52 सीट्स हैं रेगुलर मोड के लिए बात करें हम लोग रेगुलर पीएचडी के लिए। फिर उसके बाद 34 पे देख सकते हैं जियोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके बाद जो है 35 पे फिजिक्स है, इसमें 98 सीट जो है आपका रेगुलर पीएचडी के लिए और 7 सीट जो है पार्ट टाइम के लिए दिया हुआ है। दोस्तों 36 नंबर पर आप देख सकते हैं ये बॉटनी है सब्जेक्ट जो है, और 37 नंबर पर जियोलॉजी है। दोस्तों इस तरह से जो है ये 37 टोटल सब्जेक्ट्स हैं, और टोटल यदि हम लोग सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 1246 सीट्स हैं, और 1246 सीट जो है आपका रेगुलर पीएचडी के लिए है, और 46 सीट्स जो है
यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट टाइम के लिए। अब दोस्तों आगे इसमें नीचे नोट करके दिया हुआ है दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी है जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ रिजर्व्स द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ सीट्स इन एनी सब्जेक्ट एट एनी टाइम। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ को जो है ये राइट रहेगा, मतलब है कि वो कभी भी चाहे तो ये सीट्स में जो है परिवर्तन, नंबर ऑफ सीट्स में जो है परिवर्तन कर सकती है, चेंज कर सकती है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट जो आगे इन्फॉर्मेशन और है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में जो है ये पीएचडी एडमिशन के लिए ये सेशन 2021-22 के लिए जो है ये फॉर्म आया हुआ है। दोस्तों ये ब्रोशर है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का, इसमें हम लोग डिटेल में जो इम्पोर्टेंट हमारे अकॉर्डिंग पॉइंट है दोस्तों उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप जो है खुद से जा कर के इस ब्रोशर को जो है या फिर और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है उन सारे नोटिफिकेशन को, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप जो है डाउनलोड कर लें, पढ़ लें, समझ लें, सेटिस्फाई हो लें, तभी जो इस आपका एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों ये वीडियो मैंने बना दिया है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे दिया है कि कैंडिडेट को जो है पीएचडी प्रोग्राम के लिए मास्टर डिग्री एटलीस्ट जो है 55% मार्क्स के साथ जो है होना जरूरी है, जैसा कि हर यूनिवर्सिटी में होता है जनरली जो है कि आपका मास्टर डिग्री में 55% होता है। लेकिन यहाँ पे आगे दोस्तों बात की गई, जैसे आप रिलैक्सेशन की भी बात की गई 5% रिलैक्सेशन की जो है कि 55% के जब 50% चाहिए वो किस केस में, आगे बात की गई जैसे जो लोग बिलोंग करते हैं एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर डिफरेंटली एबल्ड एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट एज पर द डिसीजन ऑफ कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और दोज हु हैड ऑप्टेंड देयर मास्टर डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991। ठीक है, मतलब इस केस में जो है इन सारे लोगों के केस में जो है ये एप्लीकेबल है, बाकी आप एक बार खुद से भी पढ़ लेना है इसको। दोस्तों आगे फिर बात की गई है, जैसा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों केवल मैं उसी को बता रहा हूँ, अदरवाइज बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। जैसे ड्यूरेशन की यदि बात करें दोस्तों, जैसा दिया हुआ है फुल टाइम यदि पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो इसमें मिनिमम ड्यूरेशन जो है 3 ईयर आपका लगेगा इंक्लूडिंग जो है कोर्स वर्क। ठीक है, और मैक्सिमम यदि ड्यूरेशन की बात करें तो 6 ईयर लग सकता है ये डेट ऑफ एडमिशन से। वैसे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात दी गई है इसमें, जैसे यहाँ फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं प्रोसीजर फॉर एडमिशन, तो इसमें जैसा कि दिया हुआ है एज़ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी ऑर्डिनेंस एडमिशन होगा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट ये रेट के थ्रू जो है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, मतलब आपका एंट्रेंस टेस्ट मतलब रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट जो होना है रिसर्च, उसके बाद जो है इंटरव्यू आपका होना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 4.2 में जो दिया है कि अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी रिक्वायर्ड टू हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन रेट। ठीक है, मतलब कम से कम आपको जो है 50% मार्क्स जो है रेट एग्ज़ाम में लाना होगा, तभी आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात दी गई है दोस्तों, अभी जो है हम लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी चल करके इस ब्रोचर को देखेंगे या फिर और भी जो नोटिफिकेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन जो इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए दिया हुआ है वो सब कुछ हम लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से चल के देखेंगे, कहाँ से आप जा करके देख सकते हो तो आपको एक बार बता देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसा आगे आप देख सकते हैं 4.3 नंबर पे जो जैसा दिया हुआ है कि देयर विल बी 5% रिलैक्सेशन इन मार्क्स फॉर ओबीसी और एससी और एसटी कैंडिडेट्स, दैट इज़ 45% विल बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ओबीसी और एससी और एसटी कैंडिडेट्स। ठीक है, मतलब इन कैंडिडेट्स के केस में जो है ये 5% का रिलैक्सेशन होगा, मतलब कि जो 50% की बात की जा रही थी कि रेट एग्ज़ाम में आपको लाना होगा, यहाँ पे जैसा दिया हुआ है कि ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कैंडिडेट यदि हैं तो उनके केस में जो है 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उनके लिए चाहिए होगा। अब दोस्तों आगे बात की गई, यहाँ सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेबस की बात की गई यहाँ पे, बहुत सारे एस्पायरेंट्स से पूछते हैं कि सर इसका पीएचडी का एंट्रेंस का सिलेबस कहाँ से हम देखें, नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात दी गई 4.4 पे आप देख सकते हैं द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% शैल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन जो 4.5 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो हम बोल रहे थे आपको कि कहाँ से आप जो है इसको आप देख सकते हो सिलेबस को, तो दोस्तों जैसा दिया है 4.5 पे, इस पे जो है द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट विल बी सेम एज प्रिस्क्राइब फॉर द पीजी प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी
ऑफ लखनऊ, ठीक है। मतलब इसका यदि हम लोग सिलेबस की बात करें तो दोस्तों जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीजी का सिलेबस है, ठीक है, मतलब मास्टर डिग्री का जो सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट होगा दोस्तों, वही जो है सिलेबस आपके पीएचडी के लिए रहेगा, जैसा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की जो बात करें हम लोग, जो 4.4 पे जो बात की गई थी कि इसमें जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी से 50% क्वेश्चन रहेंगे और 50% क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट मास्टर डिग्री का जो सब्जेक्ट रहेगा उससे ये रहना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे जैसा दिया हुआ है 4.5 ये तो देख चुके हैं, अब जो है इसके बाद देखें हम लोग मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन की यदि बात करें तो दोस्तों जैसा दिया हुआ है कि जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट जो है आपकी बनाई जाएगी वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनाई जाएगी। और साथ ही साथ दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो है वो लिस्ट जो है डिस्प्ले की जाएगी, ठीक है। या इसके साथ साथ जो है जो डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट के नोटिस बोर्ड पे भी जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा, जिसको कि आप इजीली जाकर के उसको देख सकोगे या फिर आप वेबसाइट से देख लें, जैसे भी आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं 5.2 में इसमें जो है दिया हुआ है कि इन द फाइनल मेरिट कैंडिडेट वुड बी गिवन अ वेटेज ऑफ 70% टू द एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% टू द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। जो आपका फाइनल मेरिट जो है बनेगा वो 70% जो है एंट्रेंस टेस्ट पे जो है वेटेज रहेगा और 30% जो है आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पे, ठीक है। अब दोस्तों आगे जो है इंपॉर्टेंट जो बातें हैं हमारे अकॉर्डिंग उसको बताते हैं आपको। जैसे पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम की जो बात की गई है इसको दोस्तों एक बार आप देख लेना। ड्यूरेशन की यदि बात करें तो जैसा दिया हुआ है द पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम शैल बी फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 8 ईयर्स। 6.5 भी जो इसमें पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, जो पार्ट टाइम पीएचडी की यदि बात करें हम लोग तो ये मिनिमम ड्यूरेशन जो है इसका 4 ईयर होगा और मैक्सिमम जो है 8 ईयर्स तक होगा, ठीक है। बहुत ही जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं यहाँ पे, हाँ अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बता दिया था ये लॉन्च ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की यदि बात करें हम लोग तो ये जो है जुलाई 12, 2022 को जो है किया गया है, मतलब 12 जुलाई 2022 से। और लास्ट डेट की यदि बात करें हम लोग, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की, तो ये 16 अगस्त 2022 जो है इसकी लास्ट डेट है। अब आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ये रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर्म सबमिशन की बात करें तो आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, आधार नंबर होना चाहिए, फिर एक्टिव मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, स्कैन फोटो आपका होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों फोटो आईडी प्रूफ की बात की गई है। एप्लीकेशन फ़ी की जो बात करें हम लोग तो यहाँ पे दोस्तों ये 2000 जो है जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के केस में है और एससी एसटी एंड पीएच के केस में 1000 रुपी जो है फ़ी यहाँ पे रखा गया है। फिर उसके बाद बात की गई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि आप पे अप्लीकेबल हैं, आप पे अप्लाई होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप पे अप्लाई होता है तो, फिर उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो आप पे अप्लाई होती हैं। फिर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे दोस्तों ये क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, इसे रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है इसमें रहेंगी तो आप इसको जो है एक बार देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट करके दिया है इसको भी एक बार आप पढ़ लेना दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की वेबसाइट है, इसका एक बार वेबसाइट आपको बता देते हैं lkouniv.ac.in, ठीक है। एक बार फिर से वेबसाइट बताते हैं lkouniv.ac.in। तो दोस्तों यहां से जाकर के जो है सारा डिटेल आप देख सकते हैं और ज़रूर से आप जो है ये सारे डिटेल्स खुद से पढ़ लें, वेरीफाई कर लें, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। दोस्तों जैसा दिया है ऑनलाइन एडमिशन यहाँ पे 2022-23 तो डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, इन पीएचडी के लिए हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे जैसा देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम ये नीचे जो है दिया हुआ है यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम 2021-22। तो दोस्तों इस पर जब आप क्लिक करेंगे 2021-22 के लिए जो है सेशन के लिए पीएचडी का फॉर्म आया हुआ है, जैसा पहले हम लोग बात किए हैं दोस्तों, इसमें देखेंगे तो ये दिया हुआ है पीएचडी प्रोग्राम से एडमिशन सेशन 2021-22। इसमें जो है पहले नंबर पे दिया है रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर्म सबमिशन, इसको आप ओपन करके देख लेना यहाँ से। फिर इंस्ट्रक्शंस दिया है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है, और वैकेंट सीट्स ऑफ पीएचडी एंड पार्ट टाइम पीएचडी सेशन 2021-22। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग देखे थे जो सीट वाला डिटेल यहीं से आप देखे थे, ठीक है, देख सकते हैं। अब फिर दिया है दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, तो ये यहां से आप जाकर के देख लेना। और एडमिशन ब्रोशर की जो ये ब्रोशर की बात करते हैं हम लोग, यहाँ से आप जाकर के देख सकते हो दोस्तों, इसको ओपन करके जो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से आप ओपन करके इसको देख सकते हैं। हाँ दोस्तों कोई यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है हेल्पलाइन फॉर एडमिशन की यहाँ पे बात की गई है दोस्तों, यहाँ पे हेल्पलाइन भी दिया हुआ है तो आप जा करके यहाँ से जो है आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगा। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो को जरूर से लाइक करें यदि आपको पसंद आए वीडियो तो, और साथ साथ जो है अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो है इसका फ़ायदा मिल सके दोस्तों, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर पाएँ इस फॉर्म को। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों इतना पेशेंस के साथ जो आज का वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।